स्टंटिंग यानी कि गजाई किल्लत के बायस बच्चों की नशोनमा में कमी में पाकिस्तान खित्ते में 40% के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां पाकिस्तानी बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनमा पर मुहल्लिक असरात मुरतब होते हैं। गजाई किल्लत की वजह से बच्चों का वजन कम और कद छोटा रह जाता है, मजीद ये कि वो भरपूर जहनी सलाहियतों से भी महरूम रहते हैं। माजी में किसी भी हुकूमत ने इस मसले पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन बच्चों में स्टंटिंग का मसला शुरू से ही वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की तरजीहात में शामिल रहा। पहली बार इस शोबे को तरजीह देकर एक जामिया प्रोग्राम मुरतब किया गया और गुज़िश्ता बरस 2020 में इस प्रोग्राम का बाकायदा इजरा किया गया। इस प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों को तसली बख्श खुराक की फराहमी के लिए लड़कियों को 2,000 रुपए और लड़कों को 1,500 रुपए सहमाई वजीफा दिया जा रहा है, जबकि हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन और इनके कमजोर बच्चों को स्टंटिंग के मर्ज से बचाव के लिए खसूसी गजा के हवाले से जो प्रोग्राम मुरतब किया गया है, इसमें सेहत बख्श इजाफी गजा के पैकेट फराहम किए जा रहे हैं। शफाफियत के पेश नज़र नशोनमा मराकज पर सेहत बख्श गजा के पैकेटों के स्टॉक की तसील तकसीम का बाकायदा रिकॉर्ड रखा गया है। प्रोग्राम से आगाही के लिए खवातीन और इनके बच्चों की खुराक और सेहत और सफाई के हवाले से खसूसी मालूमाती चार्ट और पोस्टर भी इलाकाई जबानों में मुरतब किए गए हैं। नशोनमा सेंटर्स में खसूसी ATM मशीनें नस्ब की जा चुकी हैं, जिसके जरिए मुस्तफीद होने वालों को बायोमेट्रिक के जरिए रकम दी जा रही है। एहसास नशोनमा प्रोग्राम अब 50 नशोनमा सहूलत मराकज के जरिए आजाद जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद के 14 अजला में काम कर रहा है।